नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। रूबरू होते हैं झारखंड के खास खबरों से। राज्य में पंचायत चुनाव कराने एवं विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा प्रदेश के दिशा निर्देश पर बुधवार को अनुमंडल के सभी प्रखंडों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती एवं मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे के नेतृत्व में आयोजन किया गया। इन सभी धरना प्रदर्शन में सांसद विद्युत दुरन महतो, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू एवं भाजपा के चर्चित नेता कुणाल सारंगी शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल के नाम वीडियो को आवेदन भी सौंपा गया। पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दे पर घेरा एवं सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में पंचायत चुनाव नहीं कराकर अपने कार्य से पिछड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान झारखंड सरकार पूरी तरह से विफल है, चाहे वह विकास कार्य हो या शिक्षा। पूरे झारखंड की कानून व्यवस्था भी चरमरा गई है। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, उपाध्यक्ष विजय पांडे, मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे, माला डे निर्मला शुक्ला, हीरामणि मुर्मू, मनोज प्रताप सिंह, जादूगढ़ मंडल अध्यक्ष दिलीप पुराण, जिला सोशल मीडिया प्रभारी सुरेश महली, मंडल महामंत्री बिरमान लामा, सत्यजीत सरकार, शिव गुहा, वर्धमान गुप्ता आदि शामिल थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। आज ये धरना प्रदर्शन सिर्फ घाटशिला नहीं, पूरे झारखंड में वर्तमान में एक साल झारखंड सरकार की पूरा होने पर और हर मोर्चे पर विफल रहने के चलते और जिस तरह झारखंड के उपस्थित हमारे महिला मोर्चा के सभी बहनें और भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता ये चाहती है ये राज्य सरकार हेमंत सरकार की क्रूर सरकार को इस तरह का कार्य करने नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि अविलंब पंचायत चुनाव कराकर राजनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समीप आज भाजपा के राजनगर पूर्वी और पश्चिमी दोनों मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में भाजपाइयों ने झारखंड सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें राजनगर पूर्वी भाग के अध्यक्ष खिरोद महतो तथा पश्चिम भाग के अध्यक्ष नारायण महतो ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से वर्तमान गठबंधन की सरकार पर आरोप लगाते हुए इस सरकार को ठग बंधन की सरकार बताया। भाजपाइयों ने कहा झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के नेतृत्व में झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार के एक वर्ष पूरे हो चुके हैं। लंबे चौड़े वादों और घोषणाओं के साथ इस गठबंधन ने जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, परंतु यह सपने टूटते देर नहीं लगी। यह महागठबंधन ठगबंधन साबित हो गया है। आज प्रदेश फिर से उग्रवाद की चपेट में आ गया है। विकास के कार्य बिल्कुल से ठप पड़े हुए हैं। कोरोना काल की दुर्गम व्यवस्था जग जाहिर है। रोजगार की खोज में मजदूर फिर से पलायन को मजबूर है। गरीब भूख से मरने पर भी बसे बहन बेटियों की इज्जत आज सुरक्षित नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और ऐसी परिस्थिति में सरकार लूट खसोट ट्रांसफर पोस्टिंग खनिजों पत्थर बालू की तस्करी में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, सरकार ने धान की खरीद के आदेश पर भी रोक लगा दी है। वहीं भाजपाइयों ने सभी मांगों को महामहिम राज्यपाल के नाम राजनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं धरना प्रदर्शन में रमेश हांसदा, कुबेर का सारंगी, हरे कृष्णा प्रधान, राम रतन महतो, उज्जवल मोदक, भीमसेन मंडल, मेघराय मार्डी, गंगाधर महतो, भुवन महतो आदि शामिल थे। राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। समिति के निर्देश पर आज राजनगर प्रखंड कमेटी, दोनों प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में, खिरोद महतो, नारायण महतो के नेतृत्व में हम लोग आज यहाँ धरना दिए। विशेष मांग ये है कि सरकार ने गांव की जनता, गांव की सरकार को ख़त्म करने का ऐलान किया, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ हेमंत सोरेन के कान में तेल डालने के लिए हम लोग आज यहाँ धरना में बैठे हैं कि जिसके बदौलत तुम सत्ता में बैठे हो आज उनको समाप्त करते हो। शर्म आनी चाहिए सरकार को। आज विधानसभा चुनाव हो सकता है झारखंड में, पंचायत का चुनाव नहीं होगा। इनका पूरा षड्यंत्र है कि पंचायत का जो केंद्र से मिलने वाला अरबों रुपया का कमीशन खाने का लिए ये पूरा अधिकार पदाधिकारियों को देने जा रहे हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और धान का खरीद भी नहीं कर रही है। धान का खरीद में आज बोलता है कि नहीं, धान गीला है, सरकार का पैसा गाँव वालों को देने में क्या दिक्कत है। आज कांग्रेस के नेता ने इस तरह का बयान दिया है, जिसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प। धान का खरीदारी जल्द शुरू किया जाए। हम लोगों का मकर पर्व पहुंच रहा है, 14 तारीख बहुत बड़ा पर्व होता है झारखंड में। विधवा पेंशन, ये सब
चालू किया जाए, यही यही सब इस विषय को लेकर आज हम लोग धरना प्रदर्शन किए। जमशेदपुर के मानगो डिमरा रोड में शव दफनाने को लेकर जमकर बवाल हुई। मौके पर रैप के जवान की तैनाती कर मामले को काबू किया गया। डिमरा रोड उलीदी थाना अंतर्गत एक जमीन पर चल रहा है पुराना विवाद। आदिवासी समुदाय के अनुसार जमीन आदिवासियों के आदिवासी परंपरा के हिसाब से जहर थाना का निर्माण बहुत पहले की गई, जिसका मतलब यह है कि जमीन में आदिवासी समाज के लोग मृत्यु के बाद शव को जलाने तथा दफनाने की जगह है। वहीं एक बिल्डर के अनुसार जमीन को अपना बताया जा रहा है तथा बिल्डर द्वारा जमीन की रसीद कटवाई गई है। मौके पर अंचलाधिकारी कामनी लकड़ा तथा DSLR पहुंचे। आदिवासी समुदाय के लोगों को समझा बुझा कर शव को स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट भेजा गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने दोनों पक्षों को आश्वासन दिया कि शीघ्र इस मामले में जांच कर फैसला कर दी जाएगी। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। लाइन में ये अनाबाद बिहार सरकार की जमीन दर्ज है और वो समाज का दावा काफी दिन से है कि ये उनकी जमीन है, शमशान है, जहाँ पे ये बहुत पहले से यहाँ पे अपने पूर्वज को दफनाते आ रहे हैं और इसी संदर्भ में आज इनके द्वारा एक क्लास देकर यहाँ पे दफनाने का प्रयास किया गया है। प्रशासन अभी, चूंकि ये हमारे हिसाब से हमारी जमीन है, तो अभी इसी पे हम लोग रोक लगाए हुए हैं। विवाद ये है, अभी क्या चल रहा है? अभी हम लोग ये वार्ता कर रहे हैं, देख रहे हैं इसका लीगल प्रोसीजर क्या आगे बढ़ सकता है, बात कर रहे हैं लोगों से, पर जो समाधान ही करते हैं। लोग भी तो कागज दिखा रहे हैं। हाँ, कागज दिखा रहे हैं ये लोग, उसी पे है कि लीगल प्रोसीजर पे हम लोग वो देखेंगे कि कागज कितना सही है या नहीं है, क्या है आगे। सौ देर हो रहा है दफनाने में, ये अब देखे, चूंकि मामला बिहार सरकार का है और हम लोग कस्टोडियन है इसके, तो ऑब्वियसली हम लोग अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को हम लोग लीगली बढ़े। अगर उनका दावा सही होता है तो फिर ठीक है, आगे वो बाद में अपना, जब ये मामला क्लियर हो जाता है तो ये दफना, ऐसे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो मेरे नॉलेज में ये 79 में हमारी जमीन तो लगता है कि मैडम मामला सुलझ जाएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जिला से भी पदाधिकारी आए हुए हैं, कोशिश में है हम लोग। कोल्हान यूनिवर्सिटी के सीनेट सदस्य मनोनीत किए गए झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 विधायक आज जमशेदपुर सभागार पहुंचे। सम्मान समारोह आयोजित कर उपस्थित हुए तीनों विधायक को झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने सम्मानित किया। किचागढ़ विधायक सविता महतो, बड़ागोड़ा विधायक समीर महतो, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन को फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम में विद्यार्थियों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी का सीनेट का सदस्य के लिए सबसे पहले हमें सरकार के विधानसभा के स्पीकर महोदय माननीय रविंद्र महतो जी का हम धन्यवाद देंगे, सराहेंगे, जिन्होंने हमारे इस पूर्वी सिंहभूम जिले से 3 माननीय सदस्य को सीनेट का सदस्य मनोनीत किया है और महामहिम राज्यपाल के समक्ष हमारे ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र का विधायिका सविता महतो जी का नाम, भाड़ागोला विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक समीर महंती जी का नाम, और मैं घाटशिला विधायक खुद विधायक हूँ, मेरे नाम, इस पूर्वी सिंहभूम जिला से 3 माननीय सदस्यों का नाम भेजा गया है, जो हमारे राज्य सरकार के सराहनीय कदम है। और इसी सीनेट के सदस्य में आज निश्चित तौर पर हमारा इससे पूरा कोल्हान क्षेत्र में पश्चिम सिंहभूम से दीपक बिरवा नीरपूर्ति नियमित रूप से पठन पठान और शिक्षकों, सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों की जहां भी कमी है, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड स्टाफ की कमी है, तमाम चीज़ों को हम लोग सीनेट का बैठक में दूर करेंगे। और हम लोग ये हमारा ये प्रयास होगा कि सीनेट का बैठक का पहले सभी कॉलेजों से हमारा प्रतिनिधि है, हमारा छात्र है, उन तमामों से उस कॉलेजों की
समस्या को हम लोग कलेक्ट करेंगे। उप राजधानी दुमका जिला के काठीकुंड प्रखंड कार्यालय परिसर में आज बुधवार को भारतीय जनता पार्टी प्रखंड इकाई काठीकुंड की ओर से झारखंड सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ राज्यव्यापी एक दिवसीय धरना मंडल अध्यक्ष लालचंद पाल की अध्यक्षता में की गई। इस कार्यक्रम में प्रभारी भाजपा नेता विवेकानंद राय उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन भाजपा सोशल मीडिया के जिला संयोजक बबलू मंडल ने किया। कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष विनोद मंडल, मनोज नाग, गणेश राय, अभिजीत सुमन, खलील अंसारी आदि उपस्थित थे। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश व्यापी एक दिवसीय धरना कार्यक्रम को हम लोग काठीकुंड प्रखंड में अभी ज्ञापन देकर जो है सो प्रखंड विकास पदाधिकारी को किसानों के लिए जो उचित व्यवस्था सरकार को धान खरीदने के लिए करना चाहिए उन सब चीज़ों का जो कमी है और जो क्षेत्रीय समस्या है, जो अराजकता है यहाँ पर, जो यहाँ पर अत्याचार हो रहा है महिलाओं के साथ, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, इन सारे चीज़ों पर एक ज्ञापन दिया है। और हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि सारे चीज़ों पर अविलंब उचित व्यवस्था करे, धान खरीद केंद्र जो है लैम्स में वो 2-3 जगह बढ़ाया जाए और इन्हीं विषयों को लेकर हम लोग धरना पर यहाँ बैठे थे। यही बात। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत अंचल कार्यालय के मुख्य द्वार के समीप सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कई तरह के मांग पत्र जो अंचल अधिकारी को सौंपा गया, जिसकी सारी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने दी। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार गरीबों के हित में काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में भी नहीं है। अवसर पर मुख्य रूप से राकेश साहू, संजय सिंह, बॉबी शर्मा समेत काफी संख्या में भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। जमशेदपुर से शहजादा खान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी को भी बांटने का काम न किया है न कभी करेगा। आज उधर भारतीय जनता पार्टी का नौजवान खड़ा है और सैकड़ों काट चुके तो हजारों तैयार खड़ा है। इसलिए मैं साथी बंधु से निवेदन करता हूँ ऐसे भाजपा का सभी अपने अपने साथ बैठे हटा दिया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार दो बार बोले न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसका विस्तृत कहा जाता है वो यथास्थिति बना रहेगा, पहले भी था अभी का बाद में भी रहेगा। इसके बाद जो मंडी है मंडी बंद हो जाएगा, मंडी कहीं बंद नहीं होगा, बल्कि किसान का 70 साल का जो जमीन डालकर रखा था कि मंडी से बाहर बेच नहीं सकता, बल्कि मंडी नहीं दूसरे प्रदेश में भी अगर आपका फसल को बेचने का छूट दिया गया या किसी को बंद कराने में या किसी को नीचे दिखाने की सरकार नहीं है, ये पूरा पूरी किसान या जितना है दो गुना इसको करने का बात है। इसी के लिए आज ये हमारा बैठक है ताकि किसान बंधु को जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं उसको दिग्भ्रमित ना कर सके। आज इस तरह का कि जमीन लूट लेगा अदानी अंबानी का दूर भी दूर नहीं है। यहाँ जैसे आपका बांस का खेती होता है यहाँ पर चकुड़िया में, आपका हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ विभिन्न जगह से लोग आते हैं, बांस का खेती करते हैं, उसमें जो परसेंट तय होता है वो किसान जमीन मालिक को दे देते हैं, बाकी बांस लेकर चले जाएंगे। इसीलिए जमीन मिलों का मालिक अधिकारी का उपज जो होगा उससे कंटेक्ट होता है, इसमें जमीन पर इस तरह दिग्भ्रमित मजा कर रहे हैं। इसी तरह आज देखिए झारखंड में साल भर हो गए एस्टिमेट के नाम पर सारा विकास बंद है, आज बिजली का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आज स्वास्थ्य स्थिति भी बहुत स्थिति खराब है। इसलिए आज हम लोग धरना के माध्यम से किसान मित्रों का जो गलतफहमी पैदा हो रहा वो गलतफहमी ना हो, और इसके साथ साथ जो ये सरकार हर मोर्चे पर निकल है इसको भी अवगत करा रहे हैं। और एक इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन का तैयार करेगा। आज जो अधूरा काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है उसको पूरा करने के लिए और सरकार इस जो संवेदनशील है। आज मुसाबनी के पंचायत पारुलिया सूर्याबेड़ा में जमशेदपुर उपायुक्त श्री सूरज कुमार, DDC परमेश्वर भगत, घारसिला अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक, घारसिला विधायक रामदास सोरेन, प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी सीमा कुमारी आज जनता दरबार पहुँचे और लोगों का हाल चाल जाना। अधिकारियों ने उन लोगों की समस्याओं से भी रूबरू हुए।
उस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि अब हमारे गांव में सूरज आ गए हैं, जल्द ही जल्द हमारे गांव का दशा और दिशा दोनों ही सुधरेगी। इस पर जमशेदपुर उपायुक्त श्री सूरज कुमार ने शीघ्र सभी समस्याओं का निदान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर माननीय विधायक ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं से वंचित जिला प्रशासन द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया जाना सराहनीय कदम है, साथ ही जिला प्रशासन द्वारा तय समय सीमा के अंदर बुनियादी समस्याओं का समाधान का आश्वासन देना प्रशंसनीय कार्य है। इससे पूर्व उपायुक्त महोदय द्वारा प्रखंड के नव निर्मित भवन का निरीक्षण किया गया तथा बाइक से सूर्यबेड़ा गाँव पहुँचे। मुसावनी से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। अनुमंडल पदाधिकारी कार्यपालक दंडाधिकारी क्रिकाटशिला बीडीओ मुसाबुनी पार्षद मुसाबुनी पार्षद बगराय मुसाबुनी एटीन मुखिया सविता बंद्रा अशोक सोरेन और साथ में तो हमको तो लगता है कि पूरा राज्य नहीं पूरा देश का इतिहास होगा कि एक डीसी इसे 15 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल से एक गांव में पहुंचना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा हम एक इतिहास बनेगा। तो इसीलिए क्या हुआ आपको छोड़ दीजिए, आपको जानकारी नहीं है, खत्म हो गया। आप उसको रगड़ घस करने से वापस नहीं आना, रोड नहीं बनेगा, रोड बनेगा आपका विकास होगा। जितने पदाधिकारी उपस्थित हैं यही जिम्मेवार पदाधिकारी है, जिम्मेवार लोग हैं, चाहे हम हो, चाहे डी सी साहब हो, चाहे डीडीसी हो, चाहे एसडी हो, चाहे बीडीओ मैडम हो, हम लोग पूरा सरकार यहाँ पहुंच गए। इसीलिए आपका जो समस्या निश्चित तौर पर आज पहले जैसे नहीं होगा, समस्या का निदान होगा, ये बात सही है। बुजुर्ग बाबू ने पहले पार्षद महोदय ने बोला कि आज पूरब से सूरज उग गया है जो यहाँ पहुँच गया है। सूरज तो पूरब से ही उगता है, लेकिन ये आज हमारा यहाँ जो यहाँ डीसी सूरज पहुँचे हुए हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक नया इतिहास बन रहा है। लेकिन आज डीसी साहब को मैं भी जानकारी देना चाहूँगा, आप देख रहे हैं पहाड़ चारों तरफ ऐसी पहाड़ है, पीछे पीछे पहाड़, इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, लेकिन सूरज 11 बजे देखने को नहीं मिलता है। और 3 बजे 11 बजे से 3 बजे तक ही सूरज देखने के मिलता है, आप देख रहे हैं। और कितना एक गुप्ता बाकी है, पहाड़ से नीचे सूरज डूब जाके फिर अंधेरे रह जाए, समय कम। इसीलिए आज जो समस्या है बिजली की, ये समस्या है जरूर, लेकिन उसमें कुछ कैटेगरिया है, कुछ है। भाई बहन, गणमान्य व्यक्तिगण, प्रेस एवं मीडिया के बंधु, आप सबको संपूर्ण जिला प्रशासन की ओर से जोरदार झारखंडी जोहार। जो सबसे पहले तो मैं पूरे प्रशासन की ओर से आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि आपके गांव का मुद्दा जो हमारे जिला परिषद सदस्य हैं श्री बागराई माडी जी ने, जब मैं यहां पूर्व विकास आयुक्त था तब भी उठाया था, तब भी मैंने यहां आने की इच्छा जताई थी, पर मैं आ नहीं पाया था। और मेरे जाने के बाद आज लगभग 3.5 साल हो गया है, मेरे संज्ञान में आने के बाद भी अगर 3.5 साल हो गया तो उसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी बहुत दोषी हूं, तो उसके लिए मैं पर्सनल रूप से आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। दोबारा पिछले हफ्ते दिशा की बैठक हुई थी, दिशा की बैठक में माननीय विधायक महोदय ने बहुत जोरदार तरीके से आपके समस्याओं से पूरे सदन को अवगत कराया था। विधायक महोदय इतने संवेदनशील थे और इतने मार्मिक होके इस सारी समस्या के बारे में बता रहे थे कि हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगला जो भी जनता दरबार लगेगा वो सूर्यबेड़ा में लगेगा। विधायक महोदय ने पूछा कि वहाँ जाने का रास्ता नहीं है,
मोटरसाइकिल जाना पड़ेगा, तो हम लोगों ने बोला जाएंगे बिल्कुल, कितना भी कष्ट है, अगर हम लोग को एक दिन का ये कष्ट है तो फिर गांव वालों का क्या हाल होता होगा, वो हम लोग को देखना है। और यही रीज़न है कि आज पूरे प्रशासनिक महकमे को लेके हम लोग आपके पास पहुँचे हैं, आपकी समस्या को सुनने के लिए और आपकी समस्या का हल निकालने के लिए। जितनी समस्या है वो बताने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार सिर्फ रास्ते में आने में हम लोगों को दिख गया और कितने कष्ट में आप लोग जी रहे हैं ये भी समझ में आ गया। मैं एक एक करके आपके समस्याओं पे आऊँगा। सबसे पहला पीने के पानी की समस्या, जैसा विधायक महोदय ने बताया कि बड़ी गाड़ी आने में दिक्कत होती है, इसलिए पीने के पानी का यहाँ समस्या है थोड़ा सा। उप विकास आयुक्त ने भी बताया कि हम लोग मनरेगा के तहत कुआं ले सकते हैं, परंतु सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे भी जहाँ से भी जैसे भी करना पड़े, पर हम अगले 15 दिन में आपके यहाँ पे एक चापाकल गाड़ेंगे। गाड़ी कहीं से भी आए, कैसी भी लाए, वो हम लोग देखेंगे, पर अगले 15 दिन में आपका एक चापाकल गड़ जाएगा और इसको 2 महीने के अंदर हम लोग सोलर में भी कन्वर्ट कर देंगे। अप्रैल महीना तक हम लोग को 3 महीने का डेडलाइन दे रहे हैं। अभी हम लोग की जो सरकार की योजना चल रही है हर घर में पानी पहुँचाने की, आज इस गाँव में मैं आके आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि आपके गाँव को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। हमारे अभियंता हमको मार्च बोल रहे हैं, हम अप्रैल तक का आश्वासन देते हैं कि अप्रैल तक में आपके हर घर में पानी पहुंचा देंगे। रही बात बिजली की, आज विद्युत के अभियंता, कार्यपालक अभियंता और एजेंसी दोनों को हम लेके आए हैं। अभी हमने एजेंसी से भी बात की है, इन्होंने भी बोला है कि सर हमको 2 महीने का टाइम दिया है, हम 2 महीने के टाइम से आश्वस्त नहीं है क्योंकि फॉरेस्ट का कुछ जो दिक्कत है वो भी सुलझाना पड़ेगा। ये भी हम आपको बोल रहे हैं कि अप्रैल महीना तक हम आपके घर में एक एक घर में बिजली पहुंचा देंगे, उसके पहले पहुंचा देंगे पर अप्रैल महीने तक 100% पहुंचा देंगे आपको। पर इसमें मदद करनी पड़ेगी क्योंकि बिगड़ स्थान है, तो उसके बाद फिर पोल लाने की, तार लाने की, एजेंसी को सपोर्ट करने की, बहुत सारे लोग होंगे जो काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, उन सबको आपको हटाना है और हमारी एजेंसी को मदद करनी है कि आपके यहाँ पे सबसे पहले बिजली हम लोग किसी भी तरीके से पहुंचा सकें। माननीय विधायक ने आंगनवाड़ी के बारे में बोला था, मैं माननीय विधायक को अवगत कराना चाहता हूं कि आंगनवाड़ी का प्रपोजल जो है, मिनी आंगनवाड़ी का, वो ऑलरेडी हम लोग विभाग को भेज चुके हैं और हम लोग यहां से फॉलोअप करा के, माननीय विधायक से भी फॉलोअप करवा के हम लोग आपका मिनी आंगनवाड़ी करवा देंगे। जब तक मिनी आंगनवाड़ी नहीं आ रहा है तब तक पूरक पोषाहार जो है वो और टीकाकरण हम आपके गाँव में करवाएंगे, उसके लिए आपको वहां जाना नहीं पड़ेगा। ताकि शिकायतें किसी दादा ने बताई थी, अभी 18 तारीख को इसी जगह पे वापस से वन पट्टा के कैंप लगेगा। जिन दादा दीदी का भी वन पट्टा बाकी है कैंप में आके अपना वन पट्टा करा लेंगे। 29 तारीख को जब सरकार के 1 साल पूरे हो जाएंगे उस दिन हम लोग पट्टा वितरण कर देंगे आपको। है सड़क सबसे प्रमुख समस्या है और लंबी सड़क है, इसमें वक्त लगेगा, पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 250 की आबादी अगर हो जाती है मोहल्ले की, तो उसको जोड़ने के लिए जो ग्रामीण विकास विभाग है उसके द्वारा सड़क मिलती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। आपके टोले की आबादी 243 है, हमने बीडीओ मैडम से बोला है कि नया सर्वे करवा ले, नया सर्वे में 250 से ऊपर की आबादी हो जाएगी तो उसको हम इमीडिएटली भेज देंगे और हम कोशिश करेंगे कि उसको प्रायोरिटी में भारत सरकार से पास करा के उसके बाद फिर आपको हम यहाँ पे दे दें। और जो पूरी सड़क है, जो पूरी सड़क, उसके लिए मैं आपसे 1 साल का समय मांगता हूँ, 1 साल में हम आपका सड़क पहुँचा देंगे। परंतु उसके पहले माननीय विधायक महोदय ने 1000 फीट सड़क देने की आपको वादा किया है, 500 फीट मुखिया जी ने वादा किया है, मैं जिला की ओर से जो फंड रहते हैं हमारे पास से 1500 फीट सड़क मैं आपको और दूंगा और 3000 फीट जो है आपका सड़क जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। विद्यालय की बात आई, एक विद्यालय यहाँ पे है, मैं अगेन इसका सर्वे करा लेता हूँ और सर्वे कराने के बाद मैं आपको, अभी फिजिबिलिटी होगी तो मैं आपका विद्यालय भी खुलवा दूंगा। स्वास्थ्य उपकेंद्र तक जाने की जो समस्या है, उस समस्या में हम लोग सबसे पहले जो बिगड़ पैच है, जब गाड़ी आने में दिक्कत पैदा करते हैं, उन बिगड़ पैचों को टैकल करके वहाँ पे PCC बनवा देते हैं। और तब तक के लिए आप लोग की जो दिक्कत है, चूँकि बड़ी गाड़ी नहीं आ पाएगी तो छोटी वाली जो मोटरसाइकिल एम्बुलेंस होती है वो मैं एक आपको जिला से दे दूंगा, अपने गांव के ही आप किसी भी लड़के से उसको चलवा लीजिए और उसका तेल का जो भी खर्चा रहेगा ममता वाहन के रूप में हम उसको टैग करा देंगे और उसका पैसा उनको मिलना शुरू होगा, रोजगार भी उनको मिल जाएगा।
दिशा की बैठक में और जब मैं उप विकास आयुक्त था तब जिला परिषद की बैठक में भी लगातार इस गांव का नाम आता रहता था और इस गांव के नाम में हमेशा ही आता था कि आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी एक विलेज ऐसा है जो कि बिल्कुल टापू पे है और मेन स्ट्रीम से कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है उस गाँव में। दिशा की बैठक में जब ये मुद्दा वापस से उठ के आया तो उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो सरकार आपके द्वार है वो हम लोग अगली बार इसी गांव में लगाएंगे और इस गांव में चूँकि आने के लिए कोई भी रास्ता उपलब्ध नहीं था तो हम लोगों ने मोटरसाइकिल से आने का यहां पे फैसला किया और ये बात सच है, बिल्कुल भीड़ इलाका है, रास्ते भी नहीं है और आज हम लोगों ने यहां पे सरकार आपके द्वार लगाया है, विकास मेला लगाया है और हम लोगों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि माह अप्रैल तक यहां पे बिजली और पानी हम लोग डेफिनेटली पहुंचा देंगे। कुछ जिला के फंड से, कुछ 15वें वित्त आयोग से, कुछ विधायक निधि से सड़कों का निर्माण भी कराया जाएगा। एक मिनी आंगनवाड़ी का प्रपोजल दिया गया है, यहाँ के लोगों के लिए मनरेगा की योजनाएं दी गई हैं, वन पट्टा कुछ लोगों का ऑलरेडी मिला है और हम लोग 18 तारीख को पुनः एक और कैंप लगवा दे रहे हैं ताकि छूटे हुए लोगों को वन पट्टा मिल जाए और साथ ही साथ जो गाँव के शिक्षित बेरोजगार युवक हैं उनको इमिडिएटली हम लोग रजिस्ट्रेशन करा के इनके रोजगार के साधनों का सृजन करेंगे। जो सड़क की कनेक्टिविटी है, 250 तक के टोलों को सड़क की कनेक्टिविटी रूरल रोड से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मिलती है, इमीडिएटली इसका रिकमेंडेशन करके हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे इस पर्टिकुलर सड़क को लेंगे और कोशिश रहेगी कि एक वर्षों के अंतर में इस गांव में सड़क पे पहुंचा दें ताकि ये गांव जो है मेन स्ट्रीम से कनेक्ट हो जाए और इस गाँव का संपूर्ण विकास हो जाए।